तो साथियों, कल के अगर हम यूएस मार्केट की बात करें तो आप देखेंगे हमें कंटिन्यूअसली वहां एक सेल ऑफ देखने को मिला। गिरावट आप देख सकते हैं, 5.1% नैसडेक डाउन था। डाउ जोन्स की बात करें तो वहां पे भी लगभग 1200 पॉइंट का हमें फॉल देखने को मिला था। सेम सिनारियो जो है एक्सपेक्टेड था, निफ्टी में भी गिरावट जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड थी और उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमें एक गैप डाउन ओपनिंग भी देखने को मिली। लेकिन मार्केट ने जिस तरीके से रिकवरी किया है वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि इन्वेस्टर्स का फेथ जो है वो इंडियन इक्विटी में काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ग्लोबल। मार्केट ने यहाँ पे सरप्राइज तो किया ही है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन हो रही थी। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि निफ्टी एटलीस्ट 17,500 तक तो शायद जाएगा ही जाएगा, इतना ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। और बहुत ज़्यादा अगर फॉल होता तो मैं शायद एक्सपेक्ट कर रहा था वहाँ पे 17,300 का, लेकिन मार्केट वहाँ तक गया नहीं, वहाँ से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। इनफैक्ट मार्केट जो है काफ़ी टाइम तक 18,000 के ऊपर भी ट्रेड कर रहा था। और इस तेज़ी के पीछे कई सारे रीज़न हैं। अगर हम यूएस की बात करें तो वहाँ इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है, फेड जो है वो रेट को काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली हाइक करने वाले हैं, एटलीस्ट 0.75% तो वहाँ हाइक हमें देखने को मिल ही सकता है। मार्केट इस डर में है कि कहीं 1% का वहाँ पे फेड जो है तो रेट को हाइक ना कर दें। अदर देन दैट, यूके की बात करें तो वहाँ पे भी इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रहा है, एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल रही है, रशिया यूक्रेन की सिचुएशन तो ख़राब है ही। चाइना की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी हमें इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है, चाइना की जो इकोनॉमी है वो स्ट्रगल कर रही है। तो ऐसे में अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो इमर्जिंग मार्केट में अगर रशिया की अगर हम बात करें, इन्वेस्टर्स अगर रशिया का पैसा निकालेंगे तो वो डालेंगे कहाँ पे, एक बेहतरीन ऑप्शन उनके पास बचता है इंडिया। सिमिलर सी सिचुएशन है, चाइना से भी अगर इन्वेस्टर्स निकलेंगे तो वो आएंगे कहाँ, इंडिया में। क्योंकि देखिए, सिर्फ इन्वेस्टर्स की ही नहीं, काफ़ी सारी न्यूज़ भी मैंने शेयर की। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम आईफोन की बात करें, आईफोन का यहाँ पे असेंबली जो है तो आपको इंडिया में होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि सप्लाई डिमांड की इश्यूज़ जो हैं तो चाइना में काफ़ी ज़्यादा डिसरप्ट हो रही हैं। कई सारे रीज़न हैं, पॉलिटिकल भी रीज़न है, इकोनॉमिक और जो इकोनॉमिक रीज़न है वो तो हैं ही। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की अगर हम बात करें तो 1692 स्टॉक्स जो हैं वो ग्रीन में थे और 1775 स्टॉक जो हैं वो रेड में थे, तो वहीं 144 स्टॉक्स जो हैं वो फ्लैट से परफॉर्म किए हैं। मार्केट को आज अपसाइड खींचने में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो निफ्टी बैंक का रहा है, और आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक जो है 1.30% की तेजी दिखाया है। इनफैक्ट आज की भी मार्केट कंडीशन में निफ्टी बैंक जो है अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड किया था। आज के FIIs और DIIs के डाटा की बात करें तो 1398 करोड़ रुपए की यहाँ पे बिकवाली की है FIIs ने, तो DIIs ने 188 करोड़ की यहाँ पे बाइंग की है। आज के दिन कई सारे स्टॉक में हमें गैप डाउन ओपनिंग तो देखने को मिली, लेकिन कई सारे स्टॉक जो हैं स्पेशली फाइनेंशियल्स, बैंकिंग्स की बात करें और अदर मिड कैप स्टॉक्स की बात करें तो वहां हमें रिकवरी भी देखने को मिली। कई सारे स्टॉक जैसे जुबिलेंट फूड की बात करें तो आज हमें 2% की तेजी देखने को मिली, वहां पे आरती इंडस्ट्रीज केमिकल स्टॉक वहां पे तेजी देखने को मिली। इसके अलावा और कई सारे जैसे बजाज फाइनेंस की बात कर लें, ICICI बैंक की बात कर लें, ये सारे स्टॉक जो हैं कहीं ना कहीं रिकवर कर गए। लेकिन एक इंडेक्स जो है वो रिकवरी से अछूता रह गया और वो था निफ्टी IT। स्पेशली यहाँ पे अगर इन्फोसिस के अगर हम चार्ट को देखें, सेम पैटर्न आपको हर जगह देखने को मिलेगा, इन्फोसिस हो चाहे TCS हो, गिरावट हमें देखने को मिली, रिकवरी के कहीं भी वहाँ पे चांसेस जो छोटे मोटे दिखाई दिए, बट ओवरऑल अगर देखा जाए एंड में मार्केट जो है तो अपने लोअर जोन पर ही एंड हुआ है। इस गिरावट के पीछे का मेन कारण था यहाँ पे गोल्डमैन सैक की ये जो रिपोर्ट आई थी, वहाँ पे उन्होंने जितने भी IT के स्टॉक्स हैं सबको डाउनग्रेड कर दिया, सभी के टारगेट जो है रिड्यूस कर दिए। इन्फोसिस की बात करें तो इन्होंने 1244 का टारगेट दिया है, TCS की बात करें तो 2611 का टारगेट दिया है। करंट मार्केट प्राइस से बात किया जाए जो कि कल का था, वहां से 16% का डाउन साइड और आपको देखने को मिल सकता है एज पर द रिपोर्ट जो यहाँ पे गोल्डमैन सैक ने दी है। उसका रीजन इन्होंने बोला है कि US और अगर हम यूरोप की बात करें तो वहां पे इन्फ्लेशन आपको देखने को मिल रहा है, स्लो डाउन इकोनॉमी में देखने को मिल सकते हैं, और जितनी भी IT इंडस्ट्रीज हैं इनका मेजर जो रेवेन्यू का सोर्स है वो आपको US और यूरोप से ही देखने को मिलेगा। और यही रीजन है कि यहाँ पे ड्यू टू इकोनॉमिक स्लो डाउन ये जितने भी IT के स्टॉक्स हैं इनको डाउनग्रेड कर दिया है। इन्फोसिस की बात करें या किसी भी IT स्टॉक्स की बात करें, 2 साल कोविड के बाद इन्होंने बहुत ही शानदार बुल रन दिया है। और यहाँ पे देखिए, कभी भी कोई भी स्टॉक की अगर हम बात करें, 1 साल बहुत अच्छा चलता है, 2 साल बहुत अच्छे चलते हैं, 1-2 साल वहां पे आपको जो है तो थोड़ी सी धीमी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है।
अब अगर आप यहाँ पे इसके एक साल का देखेंगे रिटर्न, तो यहाँ पे आपको 12% का डाउनफॉल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे 5 साल लॉन्ग रन की बात करें तो 230% के यहाँ पे इस कंपनी ने रिटर्न दिए हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो आप रेवेन्यू देख सकते हैं अप ट्रेंड पे है, और हर साल यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। टेक्निकली अगर हम यहाँ पे इस स्टॉक की बात करें तो एक सपोर्ट आपको यहाँ पे 1450 पर देखने को मिलता है, और उसके बाद एक सपोर्ट यहाँ पे आपको 1400 पर देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे आप इसकी ट्रेंड लाइन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ एक शोल्डर दिखेगा, फिर ये एक आपको एक हेड दिखेगा, और ये एक अगेन शोल्डर हमें फॉर्म करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इट्स अ काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर का पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है, जिसके बाद टेक्निकली अगर हम बात करें तो और भी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। इन द लॉन्ग रन अगर हम यहाँ पे बात करें इस कंपनी के बारे में, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1250 अगर यहाँ पे 1400 का ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद आपको 1250 के पहले ऐसे कोई मेजर यहाँ पे सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो टेक्निकली अगर यहाँ पे ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है 1400 का और उसके नीचे स्टॉक अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो चांसेस हैं कि 1250 के ये लेवल्स भी देखने को मिल जाएं। और साथियों इसीलिए मैंने पिछले कई वीडियो में आपको बार बार कहा है कि अगर ये स्टॉक आपको 1450 और 1400 के लेवल पे मिलता है तो आप यहाँ पे धीरे धीरे एक एक दो दो स्टॉक इसको उठा सकते हैं, क्योंकि ये सेक्टर काफ़ी बीटन डाउन है। और देखिए कोई भी लार्ज कैप का स्टॉक जो है 20% का करेक्शन देता है तो वो बियर जोन में माना जाता है। एक 20% का करेक्शन किसी भी लार्ज कैप और ब्लू चिप स्टॉक में बहुत बड़ा करेक्शन माना जाता है। तो अगेन मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि चाहे इन्फोसिस हो, चाहे वहाँ पे TCS हो, या फिर HCL की बात करें, या फिर विप्रो की बात करें, ये सारे स्टॉक जो हैं फंडामेंटली काफ़ी अच्छे हैं, और ये यहाँ पे आपको बार बार एक मौका देते हैं कि आप धीरे धीरे इसमें एक्यूमुलेशन करते जाइए। बूंद बूंद से ही साथियों घड़ा भरता है, और वो घड़े की जो वैल्यू है जिस दिन वो बूंद बूंद से भर जाएगा उस दिन आपको वो वैल्यू समझ में आएगी कि एक्यूमुलेशन क्या होता है। एक्यूमुलेशन का पर्पज़ ही यही है कि आप शायद एक बार में इसके इतने सारे स्टॉक ना खरीद पाएं, लेकिन आप धीरे धीरे एक करके दो दो करके यहां पे जब जब ये नीचे के जोन में आए आप यहां पे इसको एक्युमुलेट करते जाइए। आप एक दिन देखेंगे आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा यहां पे एक्सपोजर जो है इंफोसिस या फिर TCS या फिर किसी भी ऐसे ब्लू चिप स्टॉक का देखने को मिलेगा, और जब ये रैली देगा तो वहां पे आपको एक अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। अगर आपने ऊपर के भी लेवल पे लिया है तो इन लेवल्स पर अगर आप धीरे धीरे एक्युमुलेट करेंगे तो धीरे धीरे आप इसको एवरेज डाउन कर सकते हैं। कोई बुराई नहीं है इस स्टॉक को एवरेज डाउन करने में, क्योंकि इन द लॉन्ग रन हमेशा से इस कंपनी ने बेहतरीन रिटर्न दिए हैं, और आने वाले टाइम में भी ये स्टॉक आपको निराश नहीं करेगा। तो आने वाले कुछ क्वार्टर यहाँ पे IT स्टॉक्स के लिए पेनफुल रहेंगे, क्योंकि US की अगर हम इकोनॉमी की बात करें, UK की इकोनॉमी की बात करें, तो मुझे नहीं लगता अभी एक दो क्वार्टर तक वहाँ पे कोई बहुत खास इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही गुड न्यूज़ आपको US, UK और यूरोप से आनी शुरू हो जाएगी, वैसे ही ये सारे स्टॉक्स एक बार फिर परफॉर्म करना शुरू कर देंगे, और वापस आपको जब ऐसी रैली देखने को मिलेगी आप सोचेंगे कि इसको पकड़ लिया जाए तो पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।